ड्यूरिंग वर्कआउट ना जिम में जब लड़के जाते हैं तो वो सपोर्टर पहनते हैं, हैवी वेट करना होता है, पावर लिफ्टर जो होते हैं उन सबको सपोर्टर पहनने के लिए कहा जाता है, तो क्या ये भी एक कारण बन जाता है वेरिकोसिस होने का? नो, ये तो बिल्कुल ही नहीं है कारण। देखो एक चीज़ समझो कि वेरिकोसील बन किस लिए रहा, रीज़न क्या है। वेरिकोसील का जो बेसिक रीज़न है वो है आपका लोअर एब्डोमेन पे बार बार प्रेशर पड़ना। अगर हम वैसे पेशेंट में देखें जो कितनी अमाउंट ऑफ ऐसे पेशेंट होंगे जो लीन होंगे, तो मोस्टली आपको वेरिकोसील के पेशेंट लीन मिलेंगे, पतले मिलेंगे, हेल्दी नहीं मिलेंगे। रेयर मिलते हैं बट मिलेंगे। लीन में क्या होता है कि जब आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने लोअर एब्डोमेन या अपने एब्डोमेन एरिया पे प्रेशर दे रहे हो। चाहे आप 2.5 किलो का भी वेट उठाओगे या 2-5 किलो का भी वेट उठाओगे, आपका जो कोर है वो टाइट होगा होगा, और जब कोर टाइट होगा तो वो प्रेशर जनरेट करेगा, वो लोअर भी करेगा अपर भी करेगा। हमारे स्क्रॉटम के पास ऐसे कोई यंत्र नहीं बने हुए, या जिसमें बोलूँ कोई ऐसे मास ज़्यादा नहीं है, या जिसमें बोलूँ वहाँ पर कोई मसल मास इतना बड़ा नहीं है, वहाँ पर इतनी बड़ी कोई हड्डी नहीं है, और वो सॉफ्ट एरिया माना जाता है हमारा, तो वो सॉफ्ट एरिया पे जल्दी इम्पैक्ट हो जाता है, वहाँ की वेंस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जल्दी। अब देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स को जो ये ऐसा काम बहुत रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर दो ही प्रॉब्लम मिलेंगे, हेल्दी होगा तो उसको पाइल्स मिल जाएगी, ठीक है, और अगर वो लीन होगा तो उसको वेरिकोसिल मिल जाएगा। तो ये एक नॉर्मल जजमेंट है, जैसे हम पेशेंट देखते हैं तो उसके ऊपर हम ये देखते हैं कि अगर हेल्दी है पेशेंट, अगर उसकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है और बहुत ज़्यादा वेट उठा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको पाइल्स मिल जाएगी। और वेरिकोसील उनको मिलता है जो पतले जो आज की डेट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन बात करूँ या पीएमई की बात करूँ, तो ये दोनों ही प्रॉब्लम आपके साइकोलॉजिकल है। अगर मेरी साइकोलॉजी अच्छी है, मेरा सोचने का तरीका अच्छा है, मेरा पॉजिटिविटी से एनवायरनमेंट से हूँ, और सेक्सुअल के बारे सेक्स के या इवन इंटरकोर्स के बारे में ऐसा नहीं सोच रहा और पॉजिटिविटी से जुड़ रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से कोई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, अपने पे ही क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा हूँ कि होगा या नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए अराइज होगी। राइट डॉक्टर हिमांशु, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपके अकॉर्डिंग आइडियल सेक्स ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? देखो आइडियल सेक्स ड्यूरेशन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इट्स अप टू दोनों पे होता है, मेल फीमेल पे। अब वो दैट कैन बी अ 5 मिनट्स और दैट कैन बी अ 3 मिनट्स। तो बेसिकली मैं यहाँ पर सेक्सुअल टाइम को कोई ऐसा नहीं कहता कि ये इतनी मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि 10 मिनट चलता है, हमें और बढ़ाना है, तो मैं कहता हूँ 10 मिनट भी इट्स ओके, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं बोलूँ कि आज आप 10 मिनट नहीं कर पाए, 20 मिनट करना चाहिए, तो आप 20 मिनट के ही स्ट्रेस में आप कम कर दोगे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं व्यूअर को भी बोलूं कि भैया आपके 10 मिनट नहीं आपके 20 मिनट होने चाहिए, तो वो भी अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है इसका। तो इसलिए मैं कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इट्स अप टू यू कि आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो पा रहा। वो एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो अपने पार्टनर से कि अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड है, आपके टाइमिंग बिल्कुल मैच कर रहे हैं, आपके टाइमिंग के साथ कोई इशू नहीं। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो इट मीन्स कि आपको एक बारी अपने आसपास के किसी भी या सिंपली अपनी वाइफ से भी बात कर सकते हो, अपने स्पाउस से या अपने पार्टनर से भी बात कर सकते हो इसके रिगार्डिंग कि कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं या हमने पढ़ा है, उसमें ईडी का सबसे फुल प्रूफ जो रास्ता है ठीक करने का, वो एक आपका पार्टनर ही है। ओके सर, स्पर्म स्ट्रक्चर को इन्हांस करने के लिए या परफेक्ट करने के लिए, जो कहते हैं कि कंसीव करने के लिए वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसके लिए क्या शामिल कर सकते हैं अपने डाइट में और लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं सो दैट कि हमारा जो स्ट्रक्चर हो स्पर्म का मेल्स का वो बेटर हो? देखो मॉर्फोलॉजी बेटर करने के लिए आपके पास वाइटामिन डी और B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइटामिन डी बेसिकली आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट, वैसे तो ज़्यादातर नॉन वेज आइटम में मिलता है, बट आज की डेट में अरेकेटॉल है, बहुत सारी सप्लीमेंटेशन आप उससे ले पूरा कर सकते हैं। B12 की भी रिक्वायरमेंट बहुत लगती है, हमने अपने पेशेंट्स में भी देखा है, जहाँ पर विटामिन डी और B12 अगर हम देते हैं तो वहाँ पर मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चरली थोड़ी सा हमें इम्प्रूव मिलता है। और ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में कम मिलता है, विटामिन डी तो काफ़ी कम मिलेगा आपको, कोई 7 पे पहुँचा, कोई 8 पे पहुँचा हुआ, क्योंकि हमारी जो जितना भी ईटिंग हैबिट्स है ना, उसमें वेज या जैसे मैं बोलूँ कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन फुल नहीं है। पहले के ज़माने में क्या होता था, हमें ना ये सारी चीज़ें ना पानी से मिल जाती थी, नदियों के पानी से। आज की डेट में हमारे पास ना कुआं है ना नदी है, हम पीते हैं आरओ का पानी, वो वैसे ही न्यूट्रिशन लैक करके भेजता है। तो यहाँ पर इस वजह से हमें ये इश्यूज क्रिएट होते हैं।
वेरिकोसिल की जैसे भी हम बात करते हैं तो टिप्स की बात करते हैं कुछ, क्या जिसको प्रॉब्लम है वेरिकोसिल की क्या वो बाइक राइडिंग कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकता। क्या ज़्यादा देर तक वो खड़े रह सकते हैं? ज़्यादा देर तक खड़ा तो रह सकते हैं, बट उनकी खड़े रहने में मूवमेंट होनी चाहिए। अच्छा, मतलब थोड़ा सा चलना, घूमना, बैठना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। कीगल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से किया जाए? कीगल एक्सरसाइज पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज होती है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो ब्लड फ्लो को बेटर कर पाती है वहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है ना एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स से चलता है टूवर्ड्स अप, तो जब हम किसी भी बॉडी का पार्ट अप करते हैं ना तो टूवर्ड्स उस तरफ ही जाएगा ब्लड फ्लो। तो ये पेल्विक एरिया की जितनी भी एक्सरसाइज होती है ऊपर उठाने वाली, कीगल एक्सरसाइज जैसी हो गई, तो वो टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जिससे हमारे को ये ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या हमारे वेरिकोसील में ब्लड के फ्लो में आराम से मिल जाते हैं, टेस्टिस को इतना न्यूट्रिशन उस ब्लड फ्लो से मिल जाते हैं जिससे वो आपको फर्टिलिटी इशू जैसी प्रॉब्लम्स से बचा कर रखता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर धवन, मज़ेदार ये पॉडकास्ट रहा और लड़के तो सच में पूरा देख रहे होंगे और उन्हें तो बहुत कुछ आज मिला, जो मिथ्स से वो भी क्लियर हो एक्चुअल में, क्योंकि खुल के बात नहीं कर पाते। हंसी मजाक अपनी जगह, अगर हम सीरियस बात करते हैं तो लोग खुल के बात नहीं कर पाते, शर्माते हैं डॉक्टर के पास जाने में भी, लेकिन इस पॉडकास्ट से उनके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये शानदार पॉडकास्ट रहा डॉक्टर धवन के साथ। अगर आप भी मेल फर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है अपनी सेक्स लाइफ को लेकर, तो आप डॉक्टर धवन से कंसल्ट कर सकते हैं। डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दे रखें, आप जाकर मिल भी सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।